आज इस मंच पर मुझे थोड़ा मौका मिला कुछ बोलने का। वैसे मैं हमेशा स्पीचेस से कतराता हूँ, लेकिन आज श्री अमिताभ बच्चन जी को, हु इज द विनर ऑफ द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, उसका अवार्ड है, तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा सर, अगर आपकी इजाज़त है तो। सर, वैसे तो मैं ये कथा आपको बता चुका हूँ पहले शूटिंग के दौरान, आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि इनकी पर्सनालिटी हम जैसे कॉमन इंसान पर क्या इफेक्ट लाती है। मुझे अभी भी याद है 1980, मुझे लगता है 1980 था जब मैं 12-13 साल का था, तो मैं अपने माँ बाप के साथ कश्मीर गया हुआ था, और वहाँ साहब कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, मैं इनकी शूटिंग दूर से देख रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा जा बेटा ऑटोग्राफ ले आ, तो मैं गया था, भाग के गया, और साहब अंगूर खा रहे थे, तो मैंने ऑटोग्राफ मांगा, तो जब सर ऑटोग्राफ दे रहे थे तो मेरी नज़र अंगूर पे थी, मुझे वो अंगूर चाहिए था, वो एक अंगूर नीचे गिर भी गया, तो मैं देख रहा था, तो जब वो लिख रहे थे तो मैं चुप करके नीचे गया, मैंने वो अंगूर को उठाया, ये बात उन्होंने देख ली, लेकिन ऐसे प्रिटेंड किया जैसे इन्होंने देखी नहीं, और इन्होंने साइन करके मुझे मेरा ऑटोग्राफ बुक दिया, और साथ में इतना बड़ा अंगूर का गुच्छा भी दिया। सर, मैं आपसे ये कहूंगा सर, वो अंगूर का गुच्छा जो था दिया था आपने, वो अंगूर थोड़े खट्टे थे, वो खट्टे अंगूर थे, लेकिन मेरे लिए, एक बच्चे के लिए, वो आपसे मिले हुए ऐसे था कि चॉकलेट का पूरा बॉक्स मिला था मुझे, और मैं खा गया, और वो उस वक्त डाइजेस्ट भी हो गए, लेकिन ये कहूंगा सर, उसकी एसेंस जो है वो अभी तक मेरे पास है, वो एसेंस मेरे पास अभी भी है। आपका जो आपने किया वो मैंने हमेशा जिंदगी में याद रखा। मुझे नहीं मालूम था मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगा, और एक ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ जब मैं कीमत फिल्म की शूटिंग कर रहा था, और मैंने देखा एक बच्चे को कोई धक्का मार के निकाल रहा है शूटिंग से, तो बच्चा रो रहा था, तो मैं वहां गया और उस बच्चे के साथ मैंने फोटो ली, उसके साथ फोटो ली, उससे बातचीत की, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह निकला। तो सर, ये आपका जो इफेक्ट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो इफेक्ट हमें, मतलब हमें, मेरे अंदर बस चुका है। आपकी पंक्चुअलिटी, एक्टिंग का अभी भी बाकी है थोड़ा बसना, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं सर। सर, आपकी हर सलाह, आपको पता नहीं, आपकी हर सलाह मैं अपने पास रखता हूं, मतलब आपकी सलाह के चक्कर में मैं गुजरात करीबन 10 बार जा चुका हूं, क्योंकि आप हमेशा आके कहते हैं आओ मारो गुजरात मां। वो आपकी सलाह मैं हमेशा लेता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, वैसे आप लोगों को बताऊं, सर ने इनके ऊपर एक सुपर कॉमिक बुक भी निकली है, क्या आप लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। वो कॉमिक बुक का नाम है सुप्रीमो। जी बिल्कुल, सुप्रीमो उसका नाम है। आज जाके उसे गूगल करना, उसे देखना। मैंने वो किताब पढ़ी थी, उसके अंदर अभी भी याद है वो कुछ डायलॉग ऐसे होते थे, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से सुपर हीरो की लाइन शुरू होती है। सर, ऐसे मैं समझता हूं हमारे अमेरिका में सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, और हमारे पास इंडिया में एंग्री यंग मैन है। तो मैं आज ऑफिशियली ये कहना चाहता हूं सर,
आपने मेरे साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, मैंने आपके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, आपने मेरे पिता का रोल किया है कई फिल्मों में और आपने पिता का रोल कई और हीरोओं के साथ भी किया है। सो एज अ आई वुड जस्ट से कि एज अ आई वुड लाइक टू ऑफिशियली से दैट यू आर द फादर ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड वी हैव लर्न सो मच एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंडस्ट्री If you give permission, sir, I would love to touch your feet, sir. Thank you very much, sir.